गोरखनाथ थाना क्षेत्र के रसूलपुर में कोरोना का एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, जिसके दृष्टिगत कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मोहल्ला रसूलपुर के 1 किलोमीटर के परिधि का क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित करते हुए उस मोहल्ले से 3 किलोमीटर की परिधि सीमा को पूरी तरह से सील किया गया है। इस परिधि में आम जनमानस को का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार उस परिधि सीमा में जनमानस के रोजमर्रा के सामानों की बिक्री आपूर्ति प्रतिष्ठानों को खोलकर किए जाने हेतु निर्गत समस्त एवं ऑनलाइन ई पास को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उस मोहल्ले की नियत परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह की दुकानें खोलने अथवा आवागमन एम्बुलेंस मजिस्ट्रेटगढ़ के राजकीय वाहन अथवा पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारियों के वाहन कोरोना वॉरियर्स को छोड़कर अन्य लोगों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। उस परिधि क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से पाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा घोषित ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हॉटस्पॉट क्षेत्र के परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री की होम डिलीवरी प्राप्त करने हेतु निकटतम खाद्य सामग्री के विक्रेताओं के मोबाइल नंबर समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यह जानकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने दी है। मिली जानकारी के अनुसार युवक 10 मई को मुंबई से लौटा था। वह 2 दिन नौसर में अपनी बहन के घर पर रहा। 3rd दिन तबियत खराब हुई तो एक दोस्त उसे लेकर BRD मेडिकल कॉलेज पहुंचा। BRD में डॉक्टरों ने कोरोना की जांच के लिए उसके थ्रोट स्वाब का सैंपल लिया। शुक्रवार की सुबह जारी रिपोर्ट में उसके कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। कोरोना पॉजिटिव की सूचना पर SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और उस एरिया को सील कर दिया गया और लोगों को हिदायत दिया गया कि घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन करें और अगर कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी सूचना तत्काल 112 नंबर या जिला प्रशासन को दे, जिससे उसकी जाँच कराई जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। जो भी है, हाँ, जिसका पेंट उखड़ा हुआ है ग्रीन कलर में वो है और जहाँ चुना इसमें देखिए, कल एक COVID-19 पॉजिटिव पेशेंट निकला है रसूलपुर इलाके में। तो हमने वहाँ, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, शासन की भी गाइडलाइन है कि जो 1 किलोमीटर का एरिया होता है उसको कंटेनमेंट किया जाता है और उसके 3 किलोमीटर की रेडियस में बफर जोन होता है। तो हमने 3 किलोमीटर का एरिया पूरा बफर जोन कर दिया है और 1 किलोमीटर में हमने सारी दुकानें सारे सबको सील कर दिया है और वहाँ के लोगों को हमने बोला है कि कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं है। जो भी पासेस जारी किए गए थे वो स्वतः स्वय प्रभाव से निरस्त हो जाएंगे, किसी भी तरीके का मूवमेंट अलाउ नहीं है। और शासन का निर्देश है कि ऐसे इलाके में जितनी भी आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की सामग्री की आपूर्ति है वो डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। क्योंकि गोरखपुर में पहले से ही प्रशासन के द्वारा कई सारे ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ गोरखनाथ क्षेत्र में जितने भी किराना शॉप्स हैं, जितने भी दूध की शॉप्स हैं, फल सब्जी वाले हैं, उन सबको हमने चिन्हित कर लिया है, उन सबकी सूची हमने उपलब्ध करा दी गई है। तो उस क्षेत्र में 3 किलोमीटर के एरिया में कोई भी दुकान अब खोली नहीं जाएगी, कोई किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं रखा जाएगा और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से, जो ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल्स हैं उसके माध्यम से घरों तक आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की जाएगी। आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, 3 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसको कम्प्लीटली हमने लॉकडाउन किया है। लोग इसका पालन करें, 14 दिन तक इसको रखा जाएगा ऐसे ही।